आज के इस वीडियो में देखेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में सीड का स्ट्रक्चर, बीज की संरचना क्या होती है। यहाँ पर दो प्रकार के सीड का स्ट्रक्चर बताया गया है, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह एक बीजपत्री बीज है, मोनोकॉट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक बीजपत्री बीज। यह डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, द्विबीजपत्री बीज, ठीक है, डाइकोटिलीडोन एंड मोनोकॉटिलीडोन। देखें हम तो जैसा हमें पता है, जो सीड है फ्लावर के ओवेरी से डेवलप होने वाला फर्टाइल और परिपक्व एक मैच्योर ओव्यूल होता है। सीड हम देखें क्या होता है, बीज क्या है, तो फ्लावर के ओवेरी से डेवलप होने वाला फर्टाइल एंड मैच्योर ओव्यूल होता है सीड, बीज। यह प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो डोमिनेंट स्टेज में पड़ा हुआ रहता है, अर्थात भ्रूण जो है, एम्ब्रियो है जो डोमिनेंट स्टेज में प्रसुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है। कुछ सीड में जर्मिनेशन, तो प्लांट देखें हम यदि पौधों में अंकुरण, तो प्लांट से अलग होते हैं और कुछ में ऐसा नहीं होता, ठीक है, अर्थात अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज, अलग अलग प्रकार के जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, और मौसम हम देखें, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो फेवरेबल कंडीशन है उनमें बोए जाते हैं। पौधों से अलग होने पर सीड कुछ समय तक जो है, जो हम डोमिनेंट स्टेज जिसको प्रसुप्ता अवस्था कह रहे हैं, उसमें रहता है और यह 4 से 6 महीने तक का होता है। अर्थात प्लांट से जब अलग होने पर बीज कुछ समय तक डोमिनेंट स्टेज में रहते हैं और यह टाइम पीरियड जो है 4 to 6 मंथ हो सकता है। यह विभिन्न प्लांट में अलग अलग भी हो सकते हैं। डोमिनेंट स्टेज में होने के कारण इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत धीमे होती है और कुछ सीड में जर्मिनेशन कई वर्षों के बाद होने पर भी हो जाता है। अर्थात जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, डोमिनेंट स्टेज में होने के कारण बहुत धीमी गति से होती है सीड के अंदर। ठीक, हम देखें सीड का स्ट्रक्चर किस प्रकार बताया जाएगा, या मोनोकॉट सीड देखें कैसा है। ठीक, तो इसमें एक बीजपत्र होता है मोनोकॉट, ठीक है, मोनो मीन एक, और बीजपत्र कॉटिलीडोन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, एक बीजपत्र होता है जिसको हम स्क्यूलेटम कहते हैं, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, स्कूटेलम। और ये एग्जांपल देखें तो वीट, गेहूं, जो, बारले, मक्का, मेज एंड राइस, चावल इसके एग्जांपल आते हैं। अर्थात मोनोकॉट सीड के एग्जांपल गेहूं, जो, मक्का, इसके अलावा राइस, चावल। डाइकॉट सीड देखिए द्विबीजपत्री, यह एग्जांपल देख पा रहे हैं, इसमें एग्जांपल जो आएगा आपका, इनमें दो बीजपत्र होते हैं, स्पष्ट दिख पा रहे होंगे, दो कॉटिलीडोन अर्थात दो बीजपत्र हैं, मटर, चना, सरसों, ठीक है, अर्थात पाइसम सेटाइम, ठीक है, ग्रैम, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं, इसके अलावा सरसों, मस्टर्ड की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं वो। इसमें देखिए हम एंडोस्पर्म की पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं सीड, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, अर्थात भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, ठीक है। बीज की संरचना देखें तो इसमें सीड कोट प्रेजेंट होता है, देख पा रहे हैं, यह जो बाहर वाला आवरण है बीज, बीजावरण बोलते हैं, सीड कोट दो लेयर का बना होता है, इसमें बाहरी जो लेयर होती है उसको बाहचोल्स, ठीक है, टेगमेन, और जो है बाहर भित्ति चोल जिसको हम कहते हैं, ये देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये बाहर वाला, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखिए इसका, माइक्रोपाइल एरिया, माइक्रोपाइल एरिया अर्थात जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार, बीज के एक सिरे पर प्रजनन होता है, सूक्ष्म आकार का एरिया होता है और यह माइक्रोपाइल कहलाता है। फिर देखें हम आगे एम्ब्रियो, तो यह सीड का मेन पार्ट होता है और तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, बीज का मुख्य भाग होता है एम्ब्रियो, मेन पार्ट, और इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो बीजपत्र कॉटिलीडन्स, एक जिसको हम कहें टिग्लम अर्थात लघुस्तम, और थर्ड पार्ट है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म जो भ्रूण पोष होता है वह। ठीक, इसमें अलग अलग प्रकार से बताया गया है एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं। इनमें देखें हम एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो भोजन जो है, फूड जो है, बीजपत्र कॉटिलीडोन में संग्रह होता है और इनमें, ठीक है, जो एंडोस्पर्मिक सीड हैं उनमें भोजन बीजपत्रों में संचित ना होकर भ्रूणपोष में अर्थात एंडोस्पर्म में होता है संचित भोजन, एग्जांपल अरंडी, ठीक है, कैस्टर, पपीता, पपाया एंड इमली, ठीक है, ये एग्जांपल है
ये जो है एग्जाम्पल बताए गए हैं एंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूण पोषी बीज। भोजन जो है बीजपत्रों, ठीक है, जो बीजपत्र होते हैं कॉटिलीडन होते हैं उनमें संचित नहीं होता, बल्कि जो भोजन है वह भ्रूण पोष में एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होता है। इसको हम कहते हैं क्या, एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्र अर्थात ये कॉटिलीडोन है इनके अंदर संग्रह होता है, ठीक है। आप भ्रूण पोषी भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होता है अर्थात जो कॉटिलीडोन होते हैं उनमें संचित होता है। इन बीजों में परिपक्व अवस्था में जो भ्रूण पोष है एंडोस्पर्म में वो एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल चना मटर और सेम, ठीक है। जर्मिनेशन के आधार पर भी इसको बता सकते हैं हम, दो प्रकार का जर्मिनेशन होता है इनमें बीज पत्रों में, ठीक है। एक तो अधोभूमिक हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड ईपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है, अधोभूमिक और ऊपरी भूमिक प्रकार का अंकुरण, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सीड क्या है, बीज जो है फ्लावर के ओवरी अंडाशय से, ठीक है, बीज जो है पुष्प के अंडाशय में डेवलप होने वाला फर्टाइल और मैच्योर ओव्यूल होता है। हम देखें इसमें एग्जांपल जो है कॉटिलीडोन के आधार पर बताया गया है अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी सीड,